अब जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो नॉर्मली मोबाइल के थ्रू ही हम बातचीत करते हैं अपने पार्टनर से। लेकिन अगर आपके पार्टनर का ये बिहेवियर है कि वो बार बार बात बंद कर देते हैं या फिर बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप परेशान होते रहते हो, आप दुखी होते रहते हो, आप बात करने की कोशिश करते रहते हो लेकिन नहीं, पार्टनर आपको वहाँ पर इग्नोर करता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अब सबसे पहले ना एक बात समझने की कोशिश करो आप कि कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है। हम चाहते हैं कि बातचीत करके एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। लेकिन उस वक्त पार्टनर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पार्टनर को बात ही नहीं करनी। पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको कॉल्स पे ब्लॉक कर देता है, व्हाट्सएप पर आपको ब्लॉक कर देता है, सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हो। अब इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि आपका ही बिहेवियर ऐसा है कि उन्हें ब्लॉक करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप ही इतने कॉल्स करते हो, आप ही इतने मैसेजेस करते हो, आप ही बार बार गलतियां करते हो, आपने ही अपने आप का बिहेवियर उनके सामने ऐसे बना के रखा है कि आपके बिहेवियर के वजह से वो परेशान हो गए हैं, आप ही बार बार उन्हें दुखी करते हो, इस वजह से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। या फिर दूसरी बात कि वो इंसान ही वैसे है, जैसे उनका मूड चेंज हो गया वो ब्लॉक कर देते हैं, छोटी सी बात बुरी लग गई ब्लॉक कर देते हैं, कुछ थोड़ा भी गलत लगा तो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे बात बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन कि आपके गलतियों के वजह से वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे किस टाइप की गलतियाँ हम करते हैं, हम पार्टनर से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मान लो पार्टनर बिजी है, पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, वहाँ पर हम पार्टनर को इरिटेट करने लगते हैं, कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे कि हमें तो अभी बात करनी है, अभी के अभी बात करनी है। ऐसा बिहेवियर हम पार्टनर के सामने बनाते हैं जिस वजह से पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है। या फिर हम एक ही प्रॉब्लम को बार 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 उनके सामने रखते हैं जिस वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। मान लो आपके साइड से कोई गलती हुई है या फिर उनके साइड से कोई गलती हुई है और आप बार बार उन्हें उनकी गलती बता रहे हो, बार बार उनके सामने वो बातें रख रहे हो जिस वजह से वो इरिटेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, वो दुखी हो गए हैं और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप हमेशा ही उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें मैसेजेस करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बात करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से उनका इंटरेस्ट लूज़ हो गया है, जिस वजह से वो आपसे परेशान हो गए हैं और इसी वजह से वो आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपके गलतियों के वजह से आपको ब्लॉक किया जाए वहाँ पे क्या करना चाहिए। अब जैसे ही हम ये देखते हैं ना कि हमें ब्लॉक कर दिया गया है, हमसे पार्टनर बात नहीं कर रहा है, हमें पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, उसी वक्त हम पार्टनर से सॉरी कहते हैं कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे और सॉरी कहने के लिए भी हम उन्हें परेशान कर देते हैं। इतने बार कॉल करके उन्हें सॉरी कहेंगे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, यानी कि हम उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं लेकिन माफ़ी भी उन्हें इरिटेट करके ही मांगते हैं। इसीलिए आपको शांत स्वभाव रखने की ज़रूरत है जब वो आपको ब्लॉक कर दे। हमें लगता है कि हमारी गलतियों की वजह से पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, अब तो पार्टनर छोड़ के चले जाएगा, पार्टनर मूव ऑन कर लेगा, पार्टनर ब्रेकअप कर लेगा, पार्टनर बात नहीं करेगा, पार्टनर किसी और से प्यार करेगा, किसी और के साथ शादी कर लेगा, ऐसे डर हमारे मन में आते हैं और इसी डर के वजह से डर कर हम उन्हें इतने ज़्यादा कॉल मैसेजेस करके सॉरी कहते हैं जिस वजह से वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये लगे कि आपकी गलती के वजह से पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आपके गलतियों के वजह से पार्टनर ने दूरी बनाई है, आपकी गलतियों के वजह से पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, तब आपको अपने साइड से ये गलती नहीं करनी है, तब आपको अपने साइड से उन्हें समझाने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी गलतियों के वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, शांत रहो, दो तीन दिन बात ही मत करो, फिर उन्हें मैसेज करो, फिर वो समझेंगे। इरिटेट करके उन्हें समझाओगे तो फिर वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसलिए जब भी आपके बिहेवियर के वजह से, आपकी गलतियों के वजह से, आपके निगेटिविटी के वजह से उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो शांति से उनसे माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगे। क्योंकि शांति से माफ़ी मांगोगे तो ही वो माफ़ करेंगे,
जबरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा इग्नोर करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, दूसरे बिहेवियर की, कि जहाँ पे वो इंसान ही है, वो अपने मूड के हिसाब से चलता है। जब अच्छे से बातचीत करनी होती है तब वो करते हैं, और जब इग्नोर करना होता है तब वो इग्नोर करते हैं। आप उनके बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहे हो, आपके साइड से कोई गलती होती भी नहीं है, वो जानबूझकर इग्नोर करते हैं, जानबूझकर आपको कम टाइम देते हैं, जानबूझकर आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता है कि शायद आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, इस वजह से वो बिना डरे कुछ भी करते हैं। उन्हें पता है अगर वो कुछ भी करेंगे, वो नाराज़गी दिखाएंगे, वो फाइट करेंगे, वो गुस्सा निकालेंगे, तब भी आप अपने साइड से उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वो ब्लॉक कर देंगे तो आप उन्हें और समझाने की कोशिश करोगे, वो आपको कॉल्स आपके कॉल्स कट करेंगे तो आप और ज़्यादा कॉल्स करोगे, ये देखकर वो और ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं। इसीलिए आपको उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे वो गुस्सा निकाले, जहाँ पे वो निगेटिविटी निकाले, या जहाँ पे वो ब्लॉक कर दे, ठीक है उन्हें करने दो ब्लॉक, उन्हें समझाओ मत। क्योंकि एक बार आप समझा सकते हो, दो बार आप समझा सकते हो, और समझाना भी चाहिए, तीन बार, चार बार, दस बार आप समझा सकते हो किसी को, लेकिन हर बार ही आपको ही समझाना पड़ रहा है तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्हें अपनी बात समझाने का किसी भी तरीके से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उनके मूड के हिसाब से नहीं चलना है। जब इच्छा हुई बात करेंगे, जब बिजी है बोल देंगे मैं बिजी हूँ बाद में बात करते हैं। आपको ये भी शो करना है कि उनके इस बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट हो रहा है। एक दो बार उन्हें बताओ कि आपके इस बिहेवियर से उन्हें हर्ट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो। फाइट करके मत बताओ, हम फाइट करके बताते हैं, हम उन्हें गलत तरीके से बताते हैं, गाली देकर हम उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं कि आप तो सारा दिन से ब्लॉक कर रहे थे, ऐसे कैसे हिम्मत हो रही है आपकी, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, ऐसे कैसे हिम्मत हो रही है आपकी। ये करके हम उनको और ज़्यादा इग्नोर करने का मौका देते हैं। इसलिए जब भी आप उन्हें उनकी गलती बताओ कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही तरीके से बताओ। ये बताने के बाद आप शांत रहना सीखो। शांत रहने का क्या मतलब है, फिर अपनी नाराज़गी दिखाओ कि आप भी उनके कॉल नहीं उठा रहे हो, आप भी उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आपने पहले तो एक दो बार उन्हें समझाया फिर भी वो नहीं समझ रहे, तो फिर आप स्टेबिलिटी दिखाओ कि अब आप भी उनसे कुछ दिन बात नहीं करोगे, आप भी अपने आप से उन्हें नहीं समझाओगे, उन्हें खुद समझने का मौका दोगे, तब ही उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। इसलिए एडजस्ट करके मत रहिए, उनकी इच्छा हुई तब वो बात करेंगे, उनकी इच्छा हुई हो तब अनब्लॉक करेंगे, उन्होंने अभी आपको ब्लॉक कर दिया है, उन्हें पता है वो शाम को अनब्लॉक करेंगे, शाम को बातचीत हो जाएगी तो फिर आप बातचीत करने लगोगे, उन्हें पता है कि रात को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सुबह वो खुद अनब्लॉक करके आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे। आप रात भर रो रहे हो इस बात से उन्हें ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी वो अनब्लॉक करके आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, या जब भी पहले उन्होंने इग्नोर किया, या फिर जब वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, तब आप उन्हें बताओ कि आप ऐसे नहीं चल सकते, इतना दुखी होकर आप उनके साथ नहीं रह सकते हो। फिर एडजस्ट करके मत रहो, अगर आप एडजस्ट करके रहोगे तो वो एडजस्ट करके रहने को ही आपको कहेंगे, वो इग्नोर भी करेंगे, वो दुखी भी करेंगे, वो परेशान भी करेंगे, और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए उनके सामने ज़्यादा एडजस्ट करके आप मत रहिए, जहाँ पे उनकी बात गलत लग रही है वहाँ पे उनकी बात बताइए, और बोल कर नहीं, कभी कभी खामोशी के साथ, नाराज़गी के साथ उन्हें इग्नोर कीजिए, ताकि उन्हें उनकी गलती समझ में आए। उनके इशारों पर चलोगे तो वो चलाते ही रहेंगे, कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी इग्नोर कर रहे हैं, और आप भी उनके हिसाब से चल रहे हो तो वो तो ऐसे ही करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको स्टेबल बनने की ज़रूरत है। उनके हिसाब से मत चलो, उनके अकॉर्डिंग मत चलो, नहीं तो आपकी फीलिंग्स इमोशंस का फ़ायदा ही उठाएंगे। कई बार खुद भी स्टैंड लो कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं ऐसे आपके हिसाब से नहीं चल सकता। आप ब्लॉक करके सो जाते हो, आप इग्नोर करके सो जाते हो, लेकिन सारी रात मुझे फ़र्क पड़ता है। स्ट्रांग तरीके से बताओ और शांति रखो। जब उन्हें लगेगा ना कि उनके बिहेवियर के वजह से आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, तभी वो खुद को बदलेंगे। लेकिन जब वो ब्लॉक करते हैं, अच्छे से बातचीत नहीं करते, तब तो हम उनके पीछे पीछे जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्ट्रांग बनने पर भी ध्यान दो, स्टेबल बनने पर भी ध्यान दो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ आप एक और बात समझने की कोशिश करो कि 6 महीने से यही चल रहा है, वो बात नहीं करते हैं, 8 महीने हो गए, इतनी ही प्रॉब्लम्स है, तो फिर आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि ऐसे इंसान को छोड़ने में ही भलाई है।
ऐसे इंसान से दूरी बना लो, या फिर खुद को समझा दो कि ऐसे इंसान से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ऐसे इंसान से मुझे कभी भी हैप्पीनेस या फिर कभी भी केयर, कभी भी प्यार नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अगर बहुत दिनों से ही वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद को स्ट्रांग बनाकर ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाओ, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा समझदारी रिश्तों को बचाने में नहीं होती है, कभी कभी सही फैसले लेने में भी समझदारी होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली कॉल पर मुझसे पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।